हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C31 फ़ोन में आप लोग स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C31 फ़ोन है, उसमें जो है आप लोगों का बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है, आप लोग चार्ज में लगा रहे हो लेकिन यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे करके चार्ज हो रहा है। पहले ठीक से चार्ज होता था लेकिन अभी जो है आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम। तो अगर आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम है तो मैं आज के वीडियो में यही बताऊंगा गाइस कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है गाइस, यहाँ पर से ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोबाइल डाटा, वाईफाई, उसके बाद यहाँ पर हॉटस्पॉट है, नियर बाय शेयर है, लोकेशन है, ब्लूटूथ है। तो अगर आपके फ़ोन में जो ये सभी ऑप्शन ऑन है और आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगा रहे हो तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस ये सब ऑप्शन ऑन होने से ये सब एनी टाइम स्कैनिंग होते रहते हैं। ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये सब स्कैन होते रहते हैं। उसके बाद डाटा ऑन रहने से आपका जो नेट कनेक्शन है वो कनेक्टेड रहता है, नेट ऑन रहता है, नोटिफिकेशन आता है, तो ये सब होने से भी आपके फ़ोन में जो है वो चार्ज लेता है। तो अगर आप लोग इधर से चार्ज में लगाओगे और उधर से ये सब ऑप्शन की वजह से चार्ज जाता रहेगा तो आपके फ़ोन में जो है स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगा रहे हो तो इन सभी को यहाँ पर से ऑफ़ करके ज़रूर रखिए। ऑफ़ करके रखने से आपका जो स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद बैकग्राउंड में अगर अपने फ़ोन में जो है एप्लीकेशन वगैरह अपडेट हो रहा है तो उसको ऑफ़ करना है। अब बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट होने से भी आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट को कैसे रोके गाइस, उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक जीमेल प्रोफाइल देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, नेटवर्क प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है, तो इस नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देख सकते हैं तीन ऑप्शन आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर से बीच वाला ऑप्शन देख सकते हैं ऑटो अपडेट ऐप्स, तो इस पर क्लिक कीजिए। अभी देख सकते हैं फिर भी तीन ऑप्शन आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर से अगर आपके फ़ोन में ऊपर के इन दो ऑप्शन पे सेट है, जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क्स और ओवर वाईफाई ओनली, तो क्या होगा गाइस, अगर आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हो और आपका जो डाटा है वो ऑन है या वाईफाई जो है वो ऑन है तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों के फ़ोन में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट होते रहेंगे, तो अपडेट होने से आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसको ऑफ़ करने के लिए एकदम लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी जो है हमने इसको ऑफ़ कर दिया, अभी हमारे फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा और आपका जो स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पर से आप लोगों को ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ब्राइटनेस अप एंड डाउन का ऑप्शन होगा, तो ब्राइटनेस को ज़रूर से आप लोग कम करके रखिए। अगर आप लोग ब्राइटनेस को फुल करके रखोगे तब भी आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और चार्ज में लगाने के बाद अपने फ़ोन को जो है मत चलाइएगा, इस चार्ज में लगाने के बाद अगर आप लोग फ़ोन को चलाओगे तब भी आप लोगों को स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, अगर आपके बैकग्राउंड में जो है एप्लीकेशन फोर्सफुली रन हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा कि ये एप्लीकेशन जो रन हो रहा है, तो आपको उसको स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन होगा, तो इस सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सब शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर से जो भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं उसका नाम यहाँ पर देख लेना है नोटिफिकेशन पे, और जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है उस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स स्टॉप का ऑप्शन होगा, तो इस फोर्स स्टॉप पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते वो जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में स्टॉप हो जाएगा और आपका जो स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को चार्जर को चेक कर लेना है गाइस, अगर आप लोगों के फ़ोन में जो भी चार्जर यूज़ कर रहे हो आप लोग, वो चार्जर अगर ख़राब होगा तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो चार्जर को ज़रूर से चेक कर लीजिए। अगर आपका चार्जर ख़राब है तो उसको चेंज करवा लीजिए।
उसके बाद आप लोग चार्जिंग पिन को चेक कर लीजिए। अगर आपके चार्जिंग पिन में जो है जंग लग गया होगा या चार्जिंग पिन में बहुत गंदगी लगा होगा, तब भी जो है आप लोगों को स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अगर आपका चार्जिंग पिन जो है ख़राब हो गया है तो सर्विस सेंटर पर आप लोग जाके चेंज करवा सकते हो, और उसके बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C31 फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।